नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह तो अमेरिकी की नीतियों में शुमार रहा है कि वह धारा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एशिया की महाशक्ति भारत को ललचाता रहा है। अमेरिका को एहसास है कि ईरान के मामले में चीन और रूस तो कभी उसके साथ आएंगे नहीं, ऐसे में भारत को जोड़कर वह एक बड़ी सफलता जरूर हासिल कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने कासिम का भारत से नाता जोड़कर अपनी पुरानी नीति का दांव चल दिया है। अब लगता यूं है कि ट्रंप कासिम की भारत में संलिप्तता बताकर मोदी का समर्थन हासिल करने का मन बना चुके हैं। उन्हें पता है कि भारत जहां अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, वहीं ईरान से उसके प्राचीन और दोस्ताना रिश्ते हैं। ट्रंप ने कासिम द्वारा भारत में इजराइल डिप्लोमेट के साथ हुई घटना का जिक्र किया है। उनके अनुसार कासिम के आदेश पर ही वर्ष 2012 में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें 5 आदमी मामूली रूप से हताहत हुए थे। यानी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि कासिम भारत के हित में नहीं था, ऐसा कहकर वे अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश में हैं। उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आंकड़े और इतिहास इसके उलट है। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी ने हमेशा भारत के पक्ष में बयान दिए थे। वह भारत और ईरान के मजबूत संबंधों का पक्षधर था। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रति उसका रवैया बेहद कठोर था। शायद इसलिए ईरान और भारत में इस घटना से जहां मायूसी है, वही पाकिस्तान में भीतर खाने गधैया नृत्य चल रहे हैं। कासिम के भारत के प्रति दोस्ताना रवैये का जीता जागता उदाहरण कुलभूषण का मामला है, जिस दौरान पाक की खुफिया एजेंसियों ने कुलभूषण को उठाया और कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की धरती का इस्तेमाल कर रहा है। तब सबसे आगे कासिम ने आकर पाक के दावे को खारिज किया था। केवल इतना ही नहीं, कुलभूषण मामले में भी भारत की सहायता की थी। उन्होंने संकेत दिए थे कि अगर उनकी एजेंसियों की नजर कुलभूषण पर रही होती तो पाक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे चाबहार से कुलभूषण को उठा ले जाए। पर कासिम के भारत के प्रति मोहपास की बात यही खत्म नहीं होती। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि भारत ईरान के सहयोग से बन रहे चाबहार पोर्ट के लिए हुए समझौते में भी कासिम की खास भूमिका रही थी। इसके अलावा जिस वक्त ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने पाकिस्तान और चीन को चाबहार पोर्ट से जोड़ने की बात कही थी, कासिम ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद ईरान सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान में खुमैनी के बाद सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक थे, इसलिए उनकी प्रत्येक सलाह सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। पाकिस्तान के प्रति कासिम की विचारधारा खिलाफत वाली थी। कासिम बलूचिस्तान में आजादी के लिए चल रहे आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कुद्स फोर्स के रिश्ते बेहद दोस्ताना रहे हैं। इसका श्रेय कासिम को ही जाता है। उन्होंने बलूचिस्तान में वहां के लोगों को हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई है, जिससे वे बलूचिस्तान में भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। पाकिस्तान तो सदैव कासिम से खुंदक खाता रहा, लेकिन भारत के लिए कासिम एक बेहतरीन दोस्त था। वर्ष 2019 में पाक समर्थित जमूरों द्वारा जब ईरान के 27 सुरक्षा बलों को शहीद किया गया, तब कासिम ने बड़ी चेतावनी दी थी। लेकिन बाद में भारत में पुलवामा हुआ, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। कासिम ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान के सभी पड़ोसी मुल्क उसकी कारगुजारियों से परेशान है। इस देश की अकल ठीक करना अब बेहद जरूरी हो गया है। किसी भी देश की अपनी नेशनल पॉलिसी होती है। ईरान के रिश्ते अमेरिका और इजराइल से सदैव खराब रहे हैं। यह मुल्क आपस में कैसी साजिशें रचते हैं, इससे भारत और ईरान के रिश्तों में मतभेद नहीं आ सकते। कासिम ने सदैव भारत का साथ दिया। उसने भारत के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अगर ट्रंप यह दावा करते हैं कि नई दिल्ली के इजराइल प्रकरण में कासिम की संलिप्तता थी, तो उसमें कासिम का यह दोष तो हो सकता है कि उसने ईरान के लिए भारत की धरती का इस्तेमाल किया। पर कासिम या फिर ईरान भारत का शत्रु कभी नहीं रहा। इस तरह के आरोप तो पाकिस्तान भी सदैव ईरान पर लगाता रहा है। कासिम शिया समुदाय का योद्धा था, इसलिए दुनिया के सुन्नी मुसलमान उसकी शहीदी पर मौन है। भारत में जरूर करगिल और लखनऊ में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है, परंतु एक प्रकार से देखा जाए तो भारत ने एक अच्छा ईरानी दोस्त खो दिया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के कासिम के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जब तक उन्हें कासिम से किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ी, वे उन्होंने
साझा की। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि कश्मीर में जब आईएस पैर पसारने लगा था और आईएस के झंडे भी लहराए जाने लगे थे, तब कासिम ने कश्मीर में आईएस का खात्मा करने में मदद की। कासिम इराक में आईएस के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनका खुफिया तंत्र काफी मजबूत हो चुका था। भारत में मौजूद आईएस के स्लीपर सेल के सफाई में भी उनकी दी गई सूचनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी कार्रवाई का मौन समर्थन करना उसकी खुशी को दर्शाता है। ट्रंप कासिम को भारत की जनता में खलनायक साबित करके उसके प्रति दुर्भावना का प्रसार करना चाहते हैं। परंतु भारत का एक बड़ा वर्ग कासिम के भारत से रिश्तों से परिचित है। उसने भारत का कभी अहित नहीं किया बल्कि साथ दिया। खासतौर से पाकिस्तान के मसले पर उसने सदैव भारत का समर्थन किया। सितंबर 2019 में जब ईरान में पाकिस्तानी दूतावास पर कश्मीर से संबंधित पोस्टर लगाए गए तो उनके आदेश पर उन्हें कुछ ही घंटों में उतार फेंका गया था। फिर ऐसा व्यक्ति भारत का दोस्त ही हो सकता है, बेशक ट्रंप कैसी भी बकेती करते रहे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।